कलर्स के सीरियल परिणीति में शुरू हो गया है सास बहू का ड्रामा। असल में नीति और राजीव की सगाई में लग गया है ब्रेक, क्योंकि एक बच्ची नेहा हो गई है लापता। ऐसे में परी उसे ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन गुरिंदर नहीं चाहती कि वो उसे ढूंढे, क्योंकि उस लड़की को छिपाने के पीछे नीति और बीजी के साथ गुरिंदर का भी हाथ जो है। ऐसे में देखिए कैसे वो परी पर नाराज हो रही है। वो तो शुक्र है कि परी के साथ संजू है, जो किसी की बात सुन नहीं रहा। कुछ पूछ रही मैं तुझसे परी, हुआ क्या तुझे? हाँ, परेशान क्या तेरी? तू चाहती क्या है? तुझे पता है ना कि मेरा पोता तुझसे कितना प्यार करता है, फिर भी परी वो अब तेरा नहीं हो सकता। नीति के साथ तेरी शादी हो रही है। हो रही है शादी नीति के साथ, जबरदस्ती हो रही है, मजबूरी में हो रही है, वरना नीति के साथ शादी? बेटा तो क्या होता है ना, माँ बच्चे का ऐसा चलता रहता, बहुत सारे बेटे होते हैं लेकिन निकलता नहीं है। लेकिन अभी उसे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो पहले जब था तो वो परी को उतना वो नहीं करता था, करता था लेकिन एक मन मन में करता, लेकिन अभी वो परी के लिए स्टैंड ले रहा है तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लग रहा है। कि वैसे भी शायद नॉर्मल लाइफ में भी किसी माँ को नहीं लगता कि अरे मेरा बेटा मुझसे जबान लड़ा रहा है बहू के लिए, तो उसको और वो जाते हैं, भड़क जाती हैं माएँ। तो वैसा ही यहाँ हो रहा है, और फिर जो अक्सर होता है बहू पे वो निकाला जाता है कि तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है, तो वही सब चल रहा है यहाँ पर। गुरिंदर और बीजी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले राजीव और नीति की अच्छे से शादी करवाने की, लेकिन आज उन्हें पता चल ही गया है कि संजू ये शादी जबरदस्ती कर रहा है। इसका भी दोष गुरिंदर ने परी पर मढ़ दिया है। वहीं दूसरी ओर ताई जी की भी तबीयत खराब है। ऐसे में वो उसी संदूक के ऊपर बैठी हुई है जिस संदूक के अंदर बीजी ने उस बच्ची को बंद किया हुआ है, और उस बच्ची की माँ बेहद परेशान हो रही है क्योंकि उसे अपनी बेटी मिल जो नहीं रही। वही तो, अब वो बच्ची जो है वो ही एक बोलते हैं ना लिंक है, क्योंकि परी को कुएं में धकेलते हुए जो नीति ने परी को कुएं में धकेला था, उसे उसकी चश्मदीद गवाह जो है वो बच्ची है। और वो बच्ची आई है ये फंक्शन में और उसने नीति को देख लिया है, और वो बताने की कोशिश कर रही है कि नीति ही परी को मारना चाहती थी, उसी ने उसे धक्का दिया जिसकी वजह से परी का बच्चा भी गिर गया। तो नीति सुलोचना मिलकर, यानी कि बेबे मिलकर उस बच्ची को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मतलब डराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वही है, उसकी माँ परेशान ढूंढ रही है बच्ची को, बच्ची मिल नहीं रही है, बाकी बच्चों के साथ भी नहीं है वो। और बाय द वे वो संदूक पे जो मैं बैठी थी ना, उसके अंदर कुछ है, वही बच्ची जिसको वो ढूंढ रहे हैं। बच्ची जब मिलेगी तब मिलेगी, फिलहाल तो नीति गुस्से में आकर परी पर ही नाराज हो रही है। देखना होगा कि क्या परी को नीति की चाल का पता चल पाएगा। कहाँ चली गई थी परी मुझे छोड़कर? क्यों कर रही है मेरे साथ ये सब? हाँ, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुझे। वैसे भी एग्जॉस्ट फील कर रही हो क्योंकि हमारी कंटिन्यूस शूट चल रही है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारा टेंशन चल रहा है हमारे लाइफ में एज यूजल, और इस बार तो हद ही हो गई है क्योंकि परी ने पूरा प्रेशर डाला हुआ है कि नीति और संजू फिर से शादी करेंगे उस होने वाले बच्चे की वजह से जो नीति ने आर्टिफिशियल IVF से करवाया है। तो उस वजह से पूरे घर में का माहौल जो है दो हिस्सों में बट गया है। कुछ लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेके और कुछ लोग बहुत दुखी है, और सबसे ज़्यादा दुखी है ताई जी, यानी कि मैं। सो वो सारा टेंशन, स्ट्रेस और थकान, वो सब कुछ तो जैसे कि पीठ में या गर्दन में मोच जैसे आ गई है। तो ताई जी जाके मैं जाके वहाँ बैठ गई हूँ उस संदूक पर। बच्चा होने वाला है तो जिस तरह से तुझे था कि लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे उसको भी, नीति को भी कुछ क्या कहेंगे लोग, बच्चे को नाजायज़ कहेंगे, नीति को बच्चलन कह सकते हैं। तो उसे मतलब उसे मैनिपुलेट करती है कि उसकी शादी अपने पुत्र से करा रही है, लेकिन यहाँ पे जो ये है परी और वो बेटा, क्योंकि उसे बहुत प्यार करता है परी को, तो वो जाके उससे वापस अपनी सगाई से पहले कुछ शादी करने का कुछ कर रहा था, तो वहाँ सुलोचना उसे ले जाती है, सुलोचना लेके जाती है तो उसे देख लेती है और उसे गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि जो मतलब मैंने खेल रचा वो तो खराब हो रहा है, अगर ये इसी की तरफ रहा तो ये तो नीति की तरफ वापस नहीं आएगा, इसलिए वो गुस्से में उसे लेके आती है और फिर उसे बहुत कुछ सुनाती है, बेटे को भी और परी को भी। परी को सुनाते हुए थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट भी कर रही है उसको कि बात भी रह जाए
कि ये अगेंस्ट ना हो जाए कहीं, या बेटे को ये ना लग जाए कि ये तो फोर्स कर रही है परी को, तो इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है। ये कांड तो सुलोचना जी का किया हुआ है, इन लोगों ने कुछ, नीति और सुलोचना ने कुछ किया है तो नीति और सुलोचना ने कुछ कांड किए हैं जो इसको नहीं पता थे पहले, लेकिन अभी बता तो दिए हैं, पर अब इसके हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि ये खेल मैंने ही रचा है कि शादी करा रही है वो नीति से, तो अब मैं नीति को कैसे टोकूं या कैसे इस चीज़ को वो करूं। तो उसमें कोई बच्ची बंद है जिसने देख लिया था कि उसने, नीति ने परी को कुएं में धक्का दिया जिसकी वजह से बच्चा भी मर गया, तो वो अब आके मुझे बता दिया है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसने खुद ही तो सब रच रुचा के अपनी उसकी शादी पर नीति से करा रही है, तो अब वो खुद भी लाचार हो गई इस चीज़ के लिए कि अब क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती, अब साथ देने के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती। हम तो आपकी ज़िंदगी में फिल करते हैं क्या, 24/7 एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए। और क्या आप जानते हैं, अब आप GNT और सोशल मीडिया के साथ साथ हमें देख सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से, क्योंकि हमारा शो आता है आज तक इंटरनेशनल पर भी। हुई ना ये एक और गुड न्यूज़।